पूरे मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में छात्र संघ चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। चुने हुए छात्र संघ नेता का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है। जो छात्र 2017 में निर्वाचित हुए थे उनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो चुका है। 2018 के बाद से छात्र संघ चुनाव का आयोजन न कराए जाने की वजह से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई युवा नेता वर्तमान में नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां छात्र संघ के चुनाव कराए जा रहे हैं, और जहां भाजपा की सरकार है वहां छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार के द्वारा उभरती युवा प्रतिभा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त आरोप लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वाले छात्र संघ के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या कहा है। हम लोगों की मांग है सर की राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के यहाँ 2017 में चुनाव हुआ था TRS कॉलेज में, उसके बाद कोई छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं किया गया। इससे क्या है, कोई भी छात्र हित की लड़ाई में लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो भाजपा सरकार से हम लोग मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग चाहते हैं कि ऊपर तक जाए और हम लोगों की मांग पर थोड़ा सा गहन चिंतन किया जाए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए, ताकि छात्र जो हैं वो अपने मतलब प्रतिभा को आगे दिखा सके और आगे बढ़ सके और छात्र हितों की लड़ाई लड़ सके। आज आप लोग कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? आज हम लोग रीवा कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के ये छात्र हैं जो कि लगातार छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। जो छात्र संगठन है ये चाहता है कि 2017 से जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जो युवाओं में प्रतिभा है उनको दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार, उस विषय को लेकर आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि 2017 से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहाँ अनाउंस कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी अनाउंस कर दिया गया है चुनाव। तो भाजपा सरकार युवाओं से क्यों डर रही है, छात्र युवा आगे ना आए, उनको कुचलने का प्रयास उनके नेतृत्व को क्यों कर रही है, क्यों युवा नेतृत्व को बढ़ाने का काम नहीं कर रही। हम लोग भाजपा सरकार का इस मुद्दे पर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की वित्तीय तिथि घोषित की जाए और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि छात्र भी आगे बढ़ सकें और वो भी छात्र हित की लड़ाई लड़ सकें, जिससे कि छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहें। हम लोग नाम और पद बताएं। नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज, NSUI का अध्यक्ष।